जेपी जयंती के अवसर पर विधायक सरयू राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। लेकिन उन तमाम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो करने के लिए एक वॉलंटियर का ग्रुप रखा गया है, ताकि उन लोगों के तमाम का रजिस्ट्रेशन किया जा सके और तमाम लोगों को गाइड किया जा सके। तमाम जो छात्र छात्राएँ नजर आ रही हैं, तमाम जो लोग हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करती हैं और करते हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन को लेकर के क्या सोचते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई करती हैं? एसएन सिन्हा। अच्छा, क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, वाकई में करप्शन कम होगा इस तरह के कार्यक्रम से? यदि लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर होगा। यहाँ जो लोग आए जिससे आपकी बातचीत हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तो उन लोगों को देख के क्या आपको फील हुआ, वाकई में करप्शन कम हो सकता है? यस सर, लगा कि हो सकता है। यस सर। आप भी उसी कॉलेज से हैं? यस सर। क्या नाम है? उमा कुमारी। क्या लगता है उमा जी, ये जो तमाम जो लोग से बातचीत हुई, रजिस्ट्रेशन किया आप लोगों ने, उन लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि तमाम लोग करप्शन के खिलाफ हैं या उनके खिलाफ आगे लड़ाई लड़ेंगे, आपको भरोसा जग रहा है इससे? यस सर, कुछ कुछ लोग ऐसा है जो इसके विरुद्ध है और कोई कोई मतलब क्या बोले इसके। आप खुद आएंगी सामने लड़ने के लिए करप्शन? यस सर। कॉलेज में किस तरह का करप्शन होता है जिसके खिलाफ खड़ा किया जा सकता है स्टूडेंट को? रैगिंग होता है और न्यू स्टूडेंट होता है उसको परेशान किया जाता है। हाँ हाँ, तो उन लोग को नहीं करना चाहिए ऐसे। हाँ, उन लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आपके नज़र में करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है? ये अच्छा नहीं है। नहीं, वो मतलब ये करप्शन तो एक तरफ बहुत गलत बात है। मतलब करप्शन तो किसी को करना भी नहीं चाहिए, करप्शन से एक दूसरे को नुकसान और अपने को भी नुकसान पड़ता है। आप एक नौजवान होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, आपको क्या रोल हो सकता है करप्शन को मिटाने में? देखिए, मेरा जहाँ तक होगा वहाँ तक हम मतलब पूरा करूँगा, वहाँ तक मेरा बनेगा, जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी वहाँ तक मैं पूरा करूँगा। आपको क्या लगता है करप्शन क्या है? सर, करप्शन ये है कि मतलब जितना भी मतलब विरोध हो रहा है हमारे भारत में, अगर उसको रोकने के लिए अगर एकता हम लोग बनाए रखेंगे तो उसको रोक सकते हैं सर, बिल्कुल पूरा तरह से। करप्शन का क्या नेचर, क्या प्रवृत्ति, क्या समाज में, स्कूल कॉलेज में क्या नज़र आता है? सर, करप्शन यही है सर कि जो लड़का लोग जैसे रैगिंग करता है हम लोग, तो उस सबको रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए पूरा एकता बना के रोकेंगे, इसी वजह से होगा ना, तो फिर अकेले थोड़ी रैगिंग रुकेगा सर। नहीं सर, आपकी नज़र में जो रैगिंग है वो सबसे बड़ा करप्शन? ये सर, रैगिंग हो गया बहुत सारा है सर, ऐसे रैगिंग थोड़ी सिर्फ बहुत सारा है सर। आपको क्या लगता है क्या करप्शन में शामिल किया जा सकता है? तो रैगिंग बताइए स्टूडेंट के तौर पर। सर, ये तो होता है जगह जगह, हम देखने को मिलता है, कहीं पर भी कुछ भी होता है, उसके लिए जानता जन देखते रह जाता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है। जगह आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसा हो रहा था, लोगों ने रोका नहीं, उसके वजह से करप्शन बढ़ गया? हाँ सर, हम दुर्गा पूजा में भी ऐसे देखें, मतलब कोई भिखारी आ गया खाना खाने के लिए, तो उसको धक्का मार करके निकाल दिया गया, तो उसको मैं रोकने की कोशिश किया, मैं बोला कि इस चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या कि ये बड़ा या भिखारी, ये दोनों के लिए रखा गया है। इस तरीके का जगह जगह हम देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है करप्शन को मिटाने के लिए नौजवान कितना कारगर है? युवाओं, हमें युवाओं को सम्मेलन बड़ा बड़ा करना चाहिए और हमें समाजों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें यह भ्रष्टाचार से रोका जाए और हमें भ्रष्टाचार से बचना चाहिए और बचाना चाहिए। ऐसे सम्मेलन से कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर, बहुत बड़ा बड़ा नेताओं और समाजों और मतलब से मिलने से और समाज में जुड़ने से और रहने से युवाओं से और मिलता है, जो कि भ्रष्टाचार और के इस सम्मेलन से मिल सकता है और रुका। इनकी जो जो तस्वीर आप लोगों ने अपने आई कार्ड में लगा, कौन है, इनको पहचान पा रहे हैं आप लोग, कौन है ये? जय प्रकाश नारायण जी। यस सर, जय प्रकाश नारायण है, ये पहले मंत्री पद में थे। सर, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सर ये भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश किए थे और करते अधिक किए हैं, फिर भी हमारे देश में अभी तक भ्रष्टाचार चालू ही है। क्या लग रहा है ये तस्वीर के कितना मायने है आज के दिन में? सर, बहुत मायने है सर, जैसे कि इतना भीड़ में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इतने सारे कम से इन्हीं के नाम पे इकट्ठे हुए हैं भ्रष्टाचार के रोकने के लिए, सिर्फ इनको रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर सब एक
सम्मेलन बना के अगर भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो रुक सकता है सर। हम क्या माने आप लोग जो यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर जा रही हैं, इसके बाद आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ खड़ी होंगी? यस सर। किस तरह से खड़ा हो सकती है? उसके खिलाफ खड़े होंगे, जो लोग करेंगे उन लोग को रोकने का कोशिश करेंगे। यस सर, यही मैसेज है। यस सर, करप्शन जहाँ पर भी देखेंगे उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और जितने जनता जन जो करप्शन का अथी में खड़ा नहीं है वो सबको मतलब खड़ा करेंगे, जागरूक करेंगे सर। यस, युवाओं को जागरूक करूंगा इस सम्मेलन से कि भ्रष्टाचार रोका जाए, अत्यधिक संख्या में ना हो भ्रष्टाचार। आपने सुना ये तमाम जो वॉलंटियर्स थे जो इस कार्यक्रम को संचालित करने में अपनी महत्ती भूमिका निभा रहे थे, जाहिर सी बात है इनका शुरुआती ज़माना है इस तरह के कार्यक्रम को देखने और समझने के लिहाज से, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, नज़रिया बदलता है, नज़रिया बड़ा ये कह सकते हैं फैलता है, और ये समझ में आता है कि समाज में क्या कुछ हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज में और अपने माशरे में जब जाएंगे तो कम से कम करप्शन के खिलाफ एक माहौल बनाने के खिलाफ कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।